दोस्तों यूएई के अंदर अगर वीकेंड्स की बात की जाए तो उनके वीकेंड्स के अंदर तब्दीली आई है और हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी और जुम्मे वाले दिन आधी छुट्टी होगी, लेकिन शारजा ने इससे बहुत ही मुख्तलिफ वीकेंड को प्लान किया है। और शारजा के मुताबिक बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तीन दिन की छुट्टी होगी और चार दिन का काम होगा। ये शारजा के अंदर अनाउंस किया गया है। ये फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद अगर देखा जाएगा कि ये अगर वर्क करता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे और इनके बाद अगर आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन चीज का करना चाहिए, इन चीज को अप्लाई करना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी इस चीज को अप्लाई किया जाएगा। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर इस चीज की इंप्लीमेंटेशन होगी जो कि जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और जिसमें तीन दिन की इनकी छुट्टी होगी जो कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को छुट्टी होगी और उसके बाद चार दिन का इनका काम होगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि कौन सी जो कंपनीज हैं, कौन सी जो कंपनीज फायदे में जाती हैं और कौन सी कंपनीज को नुकसान होता है। लेकिन हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की अगर देखी जाए, शारजा गवर्नमेंट की, तो इनकी तीन दिन की छुट्टी बनती है और तीन दिन की छुट्टी ये लोग मनाएंगे। आगे देखते हैं कि अलैन वाले या अबू धाबी वाले वो कौन से वीकेंड्स को ऐलान करते हैं, वो कौन से वीकेंड्स अपनाते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है वो दो दिन का वर्किंग डे रखें और पाँच दिन की छुट्टी दे दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि काम भी साथ साथ चलता है और वीकेंड्स भी साथ साथ चलते हैं। तो लेकिन देखते हैं आगे कि आगे कौन कौन से जो हमें चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे जनवरी 2022 से।